गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे महाराष्ट्र HSC सिलेबस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी गाइस। और इसके अंदर हम फर्स्ट चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में गाइस। आज हम जो इस वीडियो में सीखेंगे वो सम नंबर 9 होगा गाइस। ठीक है, तो सम नंबर 9 आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो गाइस, पेज नंबर 61 है। और सम नंबर 9 है गाइस, सन एंड द मून आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो गाइस यहाँ पे दो पार्टनर्स है, सन एंड मून, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको इक्वली बेसिस पे शेयर कर रहे हैं, यानी कि हाफ ऑफ शेयर्स होगा गाइस। यू आर रिक्वायर्ड टू बी गिव एन इफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो गाइस आपको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस गिवेन है और एडजस्टमेंट गिवेन है, क्लियर। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये आपका ट्रायल बैलेंस है और ये आपका एडजस्टमेंट गिवेन है गाइस, क्लियर। इसके बेस पे आपको अभी एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन सी एंट्री कहाँ पे पास होगी गाइस। तो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 यहाँ पे गिवेन है। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस गाइस, डेबिट बैलेंस में गिवेन है लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड, फर्नीचर एसेट साइड, मशीनरी एसेट साइड, लेकिन मशीनरी के नीचे यहाँ पे आपको गिवन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि परचेस किया हुआ है 1 जुलाई 2018 में गाइस। मशीनरीज गुडविल एसेट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है गाइस, ठीक है। करंट अकाउंट यहाँ पे देखो डेबिट बैलेंस गिवन है, तो करंट अकाउंट बनाएंगे अब हम और करंट अकाउंट के डेबिट साइड में इसको पास करेंगे गाइस। करंट अकाउंट आपको कब बनाना होगा, जब आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा कि करंट अकाउंट गिवन है, जैसे यहाँ पे मेंशन है कि करंट अकाउंट है गाइस, तो इसीलिए हम क्या बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे, क्लियर। 8% डिवेंचर्स, और डिवेंचर में भी देखो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, परचेस ऑन 1 अक्टूबर 2018, यानी कि 8% डिवेंचर लिए हुआ। डिवेंचर्स जैसे आपको मालूम है कि एक तरफ से ये इन्वेस्टमेंट होता है, अगर डिवेंचर्स को देखा जाए तो डिवेंचर एक तरह के क्रेडिटर्स होते हैं जो कि कंपनी को फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं गाइस, क्लियर। तो हमने डिवेंचर से 8000 लिया हुआ है और 8% पे लिया हुआ है, और हमने कभी लिया, ये 1 अक्टूबर 2018, तो दैट इज़ 8% आपको क्या क्रिएट कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इसका हम वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे गाइस। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट साइड, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प एसेट साइड, कैपिटल लायबिलिटीज अगेन क्लास करंट अकाउंट। एक करंट अकाउंट आपको मून का डेबिट साइड में गिवन है और दूसरा करंट अकाउंट आपको सन क्रेडिट साइड में गिवन है। तो जो मून वाला है गाइस वो डेबिट में आएगा और जो सन वाला है वो क्रेडिट साइड में आएगा करंट अकाउंट के। संडी क्रेडिटर्स, बैंक ओवर ऑफ रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, ये सब जाएगा गाइस लाइबिलिटी साइड में, क्लियर। बहुत ही ईजी था ये, यहाँ पे एसेट्स गिवन है और यहाँ पे लाइबिलिटी गिवन है गाइस, दैट्स इट। एडजस्टमेंट, पार्टनर आर एंटाइटल टू गेट सैलरी ₹6000 पर एनम इन द एडिशनल टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस कि पार्टनर को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा 6000 पर एनम, ठीक है, पर एनम दिया हुआ है, पूरे साल का सैलरी है, हाँ महीने का नहीं है, साल का है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडिशनल टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस, भले उनको प्रॉफिट हो या लॉस हो लेकिन उसके एडिशनल में क्या मिलेगा, उनको 6000 मिलेगा गाइस एज अ सैलरीज। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरीज 10%, 5%, 3%। लैंड एंड बिल्डिंग पे गाइस 10% है, फर्नीचर पे 5% है, मशीनरीज पे 3% का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, क्लियर गाइस। तो मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये तीनों को टिक कर दो, ये तीनों पे एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, ये आपका कैपिटल है गाइस, इस पर हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, तो इसको भी टिक कर लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का बेसिकली दो इफेक्ट बनता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा बनता है एसेट साइड में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम पास करेंगे और दूसरा एसेट साइड में पास करेंगे, राइट। बट यहाँ पे देख सकते हो आप, ट्रेडिंग अकाउंट का कोई भी कॉन्सेप्ट गिवन नहीं है, सिर्फ एक ही है जो कि वेजेस है गाइस। तो अपने को देखना पड़ेगा कि अपने को क्या प्रिपेयर करना है गाइस, ठीक है, हमें फॉर्मेट क्या प्रिपेयर करना है उसके अकॉर्डिंग ही अब हम एंट्री पास करेंगे। वेजेस इंक्लूड 1000 एज एन एडवांस गिवन टू द वर्कर्स, राइट गाइस। देखो वेजेस पे भी एडजस्टमेंट आ गया, देखिए यहाँ पे एडवांस दिया हुआ है, तो बेसिकली एडवांस का दो इफेक्ट होता है, वेजेस से माइनस होगा और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में पास होगा गाइस। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, देखो इंटरेस्ट ड्यू कर दिया हुआ है बट नॉट पेड है, ठीक है, तो ये एक तरह का आउटस्टैंडिंग हो जाएगा।
हमने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया है, दे दिया है, लेकिन पेड नहीं हुआ है, मतलब सामने वाले को नहीं मिला होगा, ठीक है। तो ये तो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, दूसरा जाएगा लायबिलिटी साइड में। टोटल नेट प्रॉफिट गिवन है गाइस, देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट गिवन है आपको, मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना होगा तो मतलब आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं बनाना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है एंड ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद हम नेट प्रॉफिट बनाते हैं गाइस। तो नेट प्रॉफिट तो आपको डायरेक्टली गिवन है, मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ अब बैलेंस शीट ही बनाना पड़ेगा। चलिए, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 38,113 है और पार्टनर का जो इक्वल शेयरिंग रेशोस है गाइस उससे हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसका हाफ हाफ कर देंगे। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट वन दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट ओनली। आपको सिर्फ दो ही अकाउंट बनाना है, एक तो बैलेंस शीट बनाना है, दूसरा क्या बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर गाइस? ये सब में आपको सिर्फ दो ही चीज रेडी करना है, बैलेंस शीट और पार्टनर करंट अकाउंट। आप क्या कीजिए, फॉर्मेट रेडी कीजिए। देखिए कैसे फॉर्मेट रेडी करना है ये मैं आपको पहले बता दूं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो सम नंबर 9 इन द बुक्स ऑफ सन एंड मून लिखना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना है, डेबिट क्रेडिट लिखना है गाइस, पर्टिकुलर सन अमाउंट मून अमाउंट, पर्टिकुलर सन अमाउंट मून अमाउंट, क्योंकि ये पार्टनर्स है, पार्टनर का करंट अकाउंट। नीचे आप बैलेंस शीट बना लीजिए, एक ही पेज में हो जाएगा गाइस। क्लियर? ओके, लायबिलिटी अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अमाउंट। क्लियर गाइस? और आपको लगेगा वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट के हम सॉल्व करेंगे जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे। और फॉर्मेट रेडी कर लीजिए, ठीक है, सेम फॉर्मेट जैसा मैंने बनाया हुआ है वैसा सेम आप बना लीजिए। और सेकेंड थिंग गाइस, आप एडजस्टमेंट को देखते रहिए कंटिन्यूसली, आप दो तीन बार कंटिन्यूसली एडजस्टमेंट को देखते रहिए। जितना आप एडजस्टमेंट को देखोगे, सुनोगे, सीखोगे, उतना ही आपको एडजस्टमेंट समझ में आएगा गाइस, राइट? तो एडजस्टमेंट का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सुपर 30 एडजस्टमेंट मैंने ऐसा हेडिंग दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, अगर आप डायरेक्टली सर्च करते हो, लेकिन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आपको सुपर 30 मतलब कि पूरे 30 एडजस्टमेंट जहाँ पे आपको पूरा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कवर हो जाएगा गाइस, ठीक है। बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में जितने भी आने वाले एडजस्टमेंट है, यानी कि फाइनल अकाउंट, NPO, एडमिशन, रिटायर, डेथ, डिसोल्यूशंस, ठीक है, तो सब में जितने भी एडजस्टमेंट अप्लाई होंगे गाइस, सब मैंने आपको 30 एडजस्टमेंट में कवर कर दिया हुआ है। तो आप उसको देख सकते हो, सीख सकते हो गाइस, और अपना कमेंट भी दे सकते हो। तो चलिए गाइस, हम यहाँ पे अपना सम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट वन गाइस, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग से। अब जो लैंड एंड बिल्डिंग है गाइस वो जाएगा एसेट साइड में। क्लियर? तो चलिए हम एसेट साइड में लिखेंगे यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 40,000। साथ साथ में क्वेश्चन देखते रहिए गाइस, इस पर एडजस्टमेंट है, एक लाइन लीव कर देंगे, ठीक है। चाहिए तो साथ साथ में एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर दो, क्योंकि इसका सेकंड इफेक्ट नहीं देना है आपको, सिर्फ फर्स्ट इफेक्ट ही देना है इसमें, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% का डेप्रिसिएशन है गाइस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितना है, 10%, 40,000 का 10% 4,000, माइनस करके आउटर कॉलम में 36,000, ठीक है। नेक्स्ट वन है गाइस फर्नीचर, तो यहाँ पे लिखिए फर्नीचर, साथ साथ में क्वेश्चन भी देखते रहना अपने टेक्स्ट बुक में, 18,000। और फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है गाइस, 5% का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, 5%। तो 18,000 का 5%, तो 20 क्या है गाइस, 0, 18,590 मतलब 900, ओके, देन माइनस करेंगे 17,100। नेक्स्ट वन है गाइस यहाँ पे मशीनरीज, मशीनरीज पे यहाँ पे आपको गिवन है परचेस, 1 जुलाई 2018 का परचेस है गाइस, 40,000 का अमाउंट है। और इसका वर्किंग नोट, सॉरी इसका एडजस्टमेंट गिवन है गाइस, तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन 3%, ठीक है।
लेकिन इसके लिए हम वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 मंथ आ गया। जुलाई में हमने फर्नीचर परचेस किया है, सॉरी मशीनरी परचेस किया है, तो जुलाई से 31 मार्च आएंगे गाइस, तो आपका आएगा टोटल कितना, 9 मंथ। 9 मंथ आपको निकालना है और 3% निकालना है। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे कि अमाउंट कैसे आएगा। तो चलिए गाइस इसका वर्किंग नोट देख लेते हैं। ओके क्लास, वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वर्किंग नोट यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 और हेडिंग देंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, कहीं पे डाउट आएगा गाइस तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा, डोंट वरी उसका। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम किस पे निकालते हैं, मशीनरीज पे गाइस। एंड मशीनरीज का जो था परचेसिंग डेट 1 जुलाई 2018 में, राइट, और इसका जो अमाउंट है गाइस वो है 40,000। और कितना परसेंट है गाइस यहाँ पे, 3% ऑन द मशीनरीज। और कितने मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, राइट। तो 9/12 लिखना पड़ेगा, मंथ आएगा गाइस तो 12, परसेंटेज आएगा तो 100। चलिए फर्स्ट वन 0000 कट, क्लियर। देन 3/4, ठीक है, 3/4 12। अगेन गाइस अब जो बचा मैं उसको नीचे लिख लेता हूँ, पहले 400 × 9/4, राइट। तो 4 से मैं इसको डिवाइड किया तो 100 आ गया, और इंटू 9 तो मतलब कितना आएगा, 900। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरीज। देखोगे जितना सिस्टमेटिकली सम सॉल्व करोगे ना उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको, ₹900, क्लियर। तो डेप्रिसिएशन आ गया मशीनरी का 900। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देन यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन लिख दिया था गाइस 3%, इसका अमाउंट लिखो 900, माइनस करो गाइस तो कितना आएगा, 39,100, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे गाइस जो सेकेंड वाला एडजस्टमेंट था ना, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड मशीनरीज, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, लेकिन हमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना है। नेक्स्ट थिंग है गाइस, अब आ जाइए आप इंडी में। तो इंडी में फर्स्ट अब जो मशीनरी के बाद बचा है वो है आपके पास गुडविल, यहाँ पे लिखिए गुडविल, और गुडविल का अमाउंट है गाइस 2000। ठीक है, आउटर कॉलम एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन है वेजेस, तो वेजेस की एंट्री पास नहीं करनी है गाइस, क्योंकि हमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। नेक्स्ट है करंट अकाउंट मून, तो डेबिट साइड में, तो यहाँ पे लिखोगे करंट अकाउंट के डेबिट साइड में 2 balance BD, ये ब्रॉड डाउन है गाइस। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से हम लेके आ रहे हैं, बैलेंस है अपने पास पहले से ही, इसलिए हम इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख रहे हैं, क्लियर। एंड किसका है, मून का, यहाँ पे तो सन में डैश कीजिए, मून में 4000, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट वन 8% डिबेंचर्स एसेट साइड में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है गाइस, तो 8% डिबेंचर। और परचेसिंग डेट है 1 अक्टूबर 2018। अगेन गाइस इसका वर्किंग नोट जाएगा, डिबेंचर का अमाउंट है 8000। चलिए इसका हम वर्किंग नोट देते और यहाँ पे लिखते हैं गाइस, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, राइट। चलिए इसका वर्किंग नोट आ जाइए गाइस वर्किंग नोट पे, सेकेंड वर्किंग नोट यहाँ पे लिखेंगे और हेडिंग देंगे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर का परचेसिंग डेट क्या है, 1 अक्टूबर 2018। चलिए अब इसका अमाउंट कितना है, 8000। कितना परसेंट है, 8% है। कितना मंथ है गाइस, अक्टूबर से 31 मार्च, ठीक है, तो कितना आएगा, 6 मंथ। चलिए तो 0000 कट, 6 2s, राइट। अब बचा कितना वो लिख लेता हूँ मैं, 80 × 8/2, 2 से मैं 8 को डिवाइड कर दूंगा तो 4, तो 4 8s 32, तो आंसर कितना आएगा, 320। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। गाइस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, मैथ से बेसिकली ये ₹320, क्लियर गाइस। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना आया अमाउंट, 320 प्लस करेंगे गाइस आउटर कॉलम में 8,320। सेकेंड इफेक्ट दे जाएगा, क्योंकि सेकेंड इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में।
चलिए गाइस ये भी हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन आते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, तो एसेट साइड में आएगा गाइस, तो यहाँ पे देखेंगे प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अमाउंट कितना है इसका 3500, आउटर कॉलम कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट इन एसेट साइड स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैंप, ठीक है ये लास्ट एंट्री हो गई गाइस, और इसका अमाउंट है 500 आउटर कॉलम। ओके आते हैं अब लायबिलिटी साइड में, फर्स्ट वन गिवन है कैपिटल, तो यहाँ पे लिख लीजिए गाइस कैपिटल अकाउंट सन और मून। देखो कैपिटल में अब कोई लाइन लीव नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमने करंट अकाउंट बनाया है। अब जितना भी कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा ना सब कहाँ जाएगा आपका करंट अकाउंट में जाएगा गाइस, क्लियर। तो सन मून, सन का अमाउंट है कैपिटल का 33,500 एंड मून का भी सेम है गाइस 33,500, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 67,000 एग्जैक्ट। चलिए नेक्स्ट वन आते हैं अभी करंट अकाउंट, करंट अकाउंट गिवन है क्रेडिट साइड में सन का, तो पार्टनर करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे गाइस यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, और सन में लिखेंगे गाइस 6,000। यहाँ तक कंप्लीट। अब आते हैं क्रेडिट साइड में जिसमें आपको गिवन है संडे क्रेडिटर्स बैंक ऑर्डर ऑफ रिजर्व फंड एंड प्रोविडेंट फंड, ये सब जाएगा आपका लायबिलिटी साइड में, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है गाइस। तो आप डायरेक्टली पास करोगे आउटर कॉलम में इसका अमाउंट संडे क्रेडिटर्स बैंक ओवर ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट वन है गाइस यहाँ पे रिजर्व फंड एंड प्रोविडेंट फंड। क्रेडिटर्स है गाइस 25,000, फिर 10,000, 5,000 एंड प्लस। तो यहाँ पे हमने सारी एंट्री पास कर दी है, अब आएंगे हम एडजस्टमेंट वन बाय वन। तो चलिए गाइस फर्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है पार्टनर आर एंटाइटल टू गेट इन अ सैलरी 6,000 पर एनम इन द एडिशन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। तो फर्स्ट वन गाइस अब हम क्या करेंगे कि इसका फर्स्ट इफेक्ट देंगे, ठीक है। पार्टनर को सैलरी मिलेगा तो मतलब पार्टनर करंट अकाउंट में आएगा गाइस, याद रखिए अगर पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो पार्टनर के करंट अकाउंट में आएगा। पार्टनर के क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि पार्टनर का ये इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में आता है। नॉमिनल का रूल गाइस डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम और गेन, तो यहाँ पे इनकम है तो इसलिए गाइस कहाँ पे जाएगा क्रेडिट साइड में आएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सैलरी, दोनों पार्टनर को 6,000 मिलेगा गाइस, तो 6,000 सन में 6,000 मून में, क्लियर यहाँ तक। चलिए सेकेंड एडजस्टमेंट हमने डेप्रिसिएशन का कवर कर दिया है, आते हैं अभी थर्ड एडजस्टमेंट पे, ठीक है मैं आपको एडजस्टमेंट दिखा दूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एडजस्टमेंट है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ठीक है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गाइस क्या होगा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये भी एक तरह का इनकम है पार्टनर का, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है कितना परसेंट है 5%। कैपिटल कितना है पार्टनर का 33,500, ठीक है उसका 5%। तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा गाइस, तो पहले 0,0 कट कर देते हैं एंड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 335 में 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 17, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 एंड 16, तो मतलब 6 1 6 7 5, ये आ गया गाइस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लियर यहाँ तक। ओके अब नेक्स्ट वन आएंगे गाइस क्लोजिंग स्टॉक, आपको अभी नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्लोजिंग स्टॉक ₹60,743। तो गाइस इसका भी हम इफेक्ट देंगे एसेट साइड में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है एसेट साइड में। यहाँ पे लिखो क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट आउटर कॉलम में, एक ही एडजस्टमेंट है गाइस क्योंकि हमने सिर्फ बैलेंस शीट बनाया हुआ है। चलिए यहाँ पे हो गया क्लोजिंग स्टॉक कंप्लीट। नेक्स्ट वन वेजेस इंक्लूड ₹1,000 एज एन एडवांस गिवन टू वर्कर, क्लियर। यहाँ पे वर्कर को हमने एडवांस दिया हुआ है,
तो वेजेस तो बेसिकली जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, बट हमने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, तो इसीलिए हम इसका सीधा इफेक्ट देंगे एसेट साइड में। एसेट साइड में यहाँ पर लिखेंगे एडवांस वेजेस, एडवांस, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडवांस, ठीक है, एडवांस वेजेस कितना है 1000। बच्चे लोग पूछेंगे कि सर क्या हम यहाँ पे प्रीपेड वेजेस लिख सकते हैं क्या? प्रीपेड वेजेस लिख सकते हो, लेकिन जैसा आपको टर्म गिवेन है सेम वही टर्म को अप्लाइड करो यहाँ पे, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड मत यूज़ करो, मेरा तो सजेशन यही है, आपको जैसा टर्म गिवेन है क्वेश्चन में वैसे टर्म यहाँ पे यूज़ कर दो, सिंपल हो जाएगा आपके लिए भी और एग्जामिनर के लिए भी, राइट। नेक्स्ट वन है यहाँ पे सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800, क्लियर। इंटरेस्ट ड्यू कर दिया है, ड्यू मतलब हमने पेड कर दिया हुआ है लेकिन प्रॉपर तरीके से पेड नहीं हुआ है, पेड मतलब हमने दिया लेकिन सामने वाले को रिसीव नहीं हुआ है, हमने पेड किया है लेकिन सामने वाले को रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। अब ये गाइस ये आउटस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अगर पेड नहीं हुआ है तो आउटस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिख सकते हो, या तो जैसा स्टेटमेंट दिया है वैसा लिखो। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, राइट, कितना अमाउंट 800 आउटर कॉलम डायरेक्टली, क्लियर गाइस यहाँ तक। चलिए तो यहाँ पे हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर सिक्स, अब आएंगे हम एडजस्टमेंट नंबर सेवन पे गाइस। तो सेवेंथ वन क्या है, टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड ₹38,113, क्लियर। और देखो पार्टनर का जो सेविंग सेविंग प्रॉफिट एंड लॉस है वो है इक्वल, क्लियर। तो मतलब 38,113 को हम क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे गाइस, हाफ ऑफ करेंगे। तो हाफ ऑफ मैं बता दूं कैसे करना है आपको, बेसिकली तो इजी है, आपको क्या करना है सिर्फ डिवाइड बाय टू कर देना है, राइट। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर थ्री देते हैं गाइस, और यहाँ पे लिखते हैं हम नेट प्रॉफिट शेयरिंग, और इनका रेशियो होगा 1:1, ठीक है। मैं एक ही पार्टनर का कहता हूँ, अगर ये वर्किंग नोट नहीं सॉल्व करोगे तो भी चल जाएगा गाइस। तो 38,113 है, 1/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 19 2 38 होता है गाइस, ओके, डिवाइड 19 आ गया, अभी 1 है यहाँ पे, तो 1 डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो ये कितना हो गया 10 11 हो गया गाइस। तो 2 5 10, अभी यहाँ पे बचा 13, 2 6 12, तो 1 बचा गाइस, तो डेसिमल देंगे तो 10 हो गया, 2 5 10, ठीक है 10। तो आंसर कितना आया 19,056.5, अभी पॉइंट में आ गया गाइस। तो किसी एक पार्टनर को ज़्यादा करना है, किसी एक पार्टनर को कम करना है, ठीक है 0.5 वाला। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि जो सन का अमाउंट है ना उसका 56 ही रखता हूँ, और जो मून का अमाउंट है ना उसको 57 करता हूँ। और ये जो था नेट प्रॉफिट, बेसिकली प्रॉफिट है तो इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा पार्टनर करंट अकाउंट में, यहाँ पे देखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है, और 19,056 और यहाँ पे लिखेंगे 19,057, क्लियर यहाँ तक, ओके। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट गाइस, पूरी एंट्री हो गई, अब हम सिर्फ इसको टैली करेंगे। तो फर्स्ट वन आपको क्या करना है कि करंट अकाउंट टैली करना है, कोई भी एंट्री कोई भी एडजस्टमेंट अभी नहीं बचा हुआ है, सिर्फ टैली कर बाकी है अपना। चलिए इसको वन बाय वन टैली करते हैं, ऑब्वियसली देख सकते हो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, सन मून दोनों का आपको टैली करना है, ठीक है। चलिए सन का कहते हैं तो 6 6 12 13, 13 प्लस 19 32,731, ठीक है। एंड मून का कहते हैं तो 26,732, यहाँ पे भी लिखेंगे 32,731 और 26,732। देखियो सन में इधर पे कोई अमाउंट नहीं है, इससे हम माइनस करेंगे तो सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, तो 32,731। मून में 4000 है तो 4000 से माइनस कर देंगे तो 22,732, यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, बैलेंस
सी डी, टू बैलेंस सी डी। ये जो बैलेंस सी डी आएगा गाइस, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। तो बैलेंस शीट हमने बनाया भी है और यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट। बेसिकली करंट अकाउंट हम ऊपर ही लिखते हैं, लेकिन हमने इसके लिए स्पेस नहीं दिया, चलेगा नीचे भी चलेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे सन और यहाँ पे लिखेंगे मून। सन का अमाउंट है 32731 और मून का 22732। इसको ऐड कर देंगे गाइस तो 55463 और इसका टैली, इसका टोटल करेंगे, इसका टैली करेंगे गाइस, तो इसका आंसर आएगा 168263। एसेट्स का भी सेम आएगा 168263। ओके, तो यहाँ पे आपका सम कंप्लीट हो गया गाइस। आई होप गाइस ये आप सम समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है अगर आपके क्वेश्चन में सिर्फ आपको करंट अकाउंट और बैलेंस शीट बोला हुआ है, राइट गाइस। चलिए गाइस, अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। एंड नेक्स्ट थिंग गाइस कि ये है, अगर आप चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपका कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा गाइस, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन को भी अपने वीडियो में सॉल्व करूँगा, ठीक है, ताकि मैं आपका डाउट जितना हो सके उतना क्लियर करूँ। चलिए गाइस, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।